हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम निकालनी इनकम मेथड से। वही वाली बात, अभी 2-3 दिन यही चलेगा आपका कि नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाए थे, फॉर्मूले समझाए थे। ये फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में याद हो गए होंगे, सब बच्चों को, कि इनकम मेथड के फॉर्मूला क्या है। इसके अंदर 3 चीज़ हम ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 3 चीज़ इस फॉर्मूले के अंदर ऐड होती हैं। कंपनसेशन में पुलिस के ये वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, ये सारी बात तीनों चीज़ ऐड कर पाई थी। एम्प्लॉयर्स वाली बात ध्यान रखना बच्चों। ओपनिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका कोई पार्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी बच्चों, इज डैट क्लियर। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि ये क्वेश्चन आपका सोल्व कैसे होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए करने के लिए दिया था। इसमें अगर कोई डाउट होगा आपको तो डाउट सेशन में ज़रूर पूछना मेरे से, जब भी डाउट सेशन होगा ऑफिशियली स्कूल तरफ से। तो आप कोई भी दिक्कत आएगी बच्चों, कोई भी दिक्कत आई होगी बच्चों, तो इसे डाउट सेशन में पूछ लेना, वरना मैं इसका कल आपको आपको सोल्यूशन भी करके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, कल को मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। आज देखिए, आज भी 4 न्यूमेरिकल हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल हैं, इन 4 न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा थोड़ा सोल्व करूँगा, बाकी आप खुद करना बच्चों। ठीक हो गया, ये मैंने फॉर्मूले बनाए आपके लिए, इसका मैंने फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में भेज दिया है, मिल जाएगा आपको। ये फॉर्मूले मैंने साफ साफ लिख दिया इनकम मेथड का, विजन सैलरीज इन कैश, विजन सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, ओपनिंग सरप्लस लिख दिया, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपका जो को तो मिलेगा। ये 3 बेसिक फॉर्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ग्रोस माइनस डेब इक्वल टू नेट, और नेट प्लस डेब इक्वल टू ग्रोस, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ये सारी चीज़ मैंने आपको बार बार रिपीट हो रही है। अब आज का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को। इसमें मुझे निकालना है NNP@MP, ये तो बात की बात है। मैंने आपको कल समझाया था कि इनकम मेथड से कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो, क्या कहा था मैंने बच्चों, इनकम मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो इन तीनों चीज़ को प्लस के करके आपको क्या निकाल लोगे, NDP@FC, यानी कि इन तीनों चीज़ को प्लस करके आप हमेशा क्या निकाल लोगे बच्चों, NDP@FC। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप ये तीनों चीज़ का फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करोगे आप, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे बच्चों, NDP@FC। तो यानी कि सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, मुझे निकालना है NDP@FC, ये निकल जाएगा मेरा। फिर तो ये इजीली निकल जाएगा, चेंजेस करने मैंने आपको पहले सिखा रखे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन में एक करके दिखाऊंगा आपको, NDP@FC निकालना है आपको, ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आपको ये क्या 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 चाहिए इसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों चीज़। सबसे पहले मैं इसे सोल्व करूँगा, ये क्या लिख रहा है बच्चों आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नहीं लिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है बच्चों, टू एब्रोड, ध्यान से समझना बच्चों, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड लिखा बच्चे, यानी कि ये जो NFIA है, NFIA है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, NFIA। तो अगर फ्रॉम होता, NFIA अगर फ्रॉम वाला है बच्चों, तो वो तो प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और NFIA अगर टू वाला है तो वो हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है बच्चों, मैं अभी दिखाऊंगा इसे सोल्व करके। NFIA अगर टू वाला है तो इसे माइनस करेंगे, क्योंकि जाने वाले पैसा है, ये पैसा बच्चों जाने वाला है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, आपको ध्यान रखना, अगर टू वाला है तो माइनस होता है और फ्रॉम वाला है बच्चों तो प्लस होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला, नेट करंट ट्रांसफ़र टू एब्रोड, क्या चीज़ आई बच्चों, ट्रांसफ़र, नेट करंट, ये क्या है बच्चों, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि जब आप बोर्ड में एग्ज़ाम, जब आप बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्ज़ाम में, या अपनी बुक से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो कुछ बातें आपको ऐसी आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी, तो जो आपने नहीं पढ़ी उसे आप इग्नोर कर देना, उसे छोड़ देना। तो वाली बात मैं छोड़ देता हूँ, काट देता हूँ मैं से, ये हमारे यूज़ की है ही नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है बच्चों आपका, डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है बच्चों आपका, डेप्रिसिएशन। क्लियर, आंसर मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद है बच्चों आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कितना है बच्चों, 700। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं, ये देखिए बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शॉर्ट में लिख लो बच्चों, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है बच्चों, 700, लिख लिया।
सीओई में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगला है आपका कॉरपोरेट टैक्स। क्या है बच्चों? कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स किसका किसका पार्ट है बच्चों? यो कॉरपोरेट टैक्स प्रॉफिट का, कॉरपोरेट टैक्स किसका पार्ट है बच्चों? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट है क्या इसमें पहले देख लो, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो फिर से यूज़ नहीं, फिर तो इसे मैं ऐड करने के नहीं, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है। अगर प्रॉफिट ही मिल गया मुझे, ये तो इसके बच्चे हैं, प्रॉफिट के बच्चे हैं कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट टैक्स जो है बच्चों प्रॉफिट के बच्चे हैं। अगर हमें बाप मिल गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को बाप कहेंगे, इसके बच्चे कहेंगे। अगर मुझे यो मिल गया प्रॉफिट तो इनकी ज़रूरत ही क्या है मुझे, इनकी तो ये यूज़लेस है। लेकिन अगर यो नहीं है फिर इनसे काम चलाना पड़ेगा मुझे। तो प्रॉफिट देख लो पहले है क्या इसमें, कॉर्पोरेट टैक्स यहीं कहीं छोड़ के प्रॉफिट देख लो। अंडर शीट प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड नहीं है, प्रॉफिट नहीं है बच्चों। तो ये ऐड कर लीजिए आप। तो प्लस करेंगे हम क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स प्लस करेंगे आप, कितना है बच्चों? 30। क्लियर हो गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे अंडर शीट प्रॉफिट, प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट का पार्ट है बच्चों, ये लिख रहा अंडर शीट प्रॉफिट, तो इसे भी ऐड कर लो। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना है बच्चों? 10। ठीक, 10 है। इसके बाद क्या है बच्चों? इंटरेस्ट भी आ लगेगा, प्रॉफिट से लगे इंटरेस्ट। तो प्लस इंटरेस्ट कितना है हो? कॉर्पोरेट टैक्स 30 ऐड कर लिया बच्चों, और जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10 ऐड कर लिया, इंटरेस्ट 90 ऐड कर लो। कर लिया ऐड। उसके बाद आगे यहाँ लिख दे, यहाँ लिख के ऐड कर दूंगा बच्चों मैं। रेंट भी ऐड होगा, कितना? 100 रुपये। रेंट भी ऐड कर लो, 100 रुपये कर लिया। उसके बाद डिविडेंड भी ऐड होगा, यानी इसका मुझे ये भी मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, डिविडेंड भी ऐड होगा बच्चों। प्लस डिविडेंड कितना है बच्चों? 20। ठीक है, लगातार ये ऐसे लाइन चल रही हो, ऊपर में बड़ा लिख रहा, नीचे इनके अमाउंट लिख रहा, डिविडेंड भी ऐड कर लिया। अच्छा, ये क्या है बच्चों? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक हो गया। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज़, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज़। ये एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन है, कितना है? 11। मैंने आपको क्या बता क्या समझाया था कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है और एम्प्लॉइज़ का नहीं होगा। ये मैं अभी देखता हूँ, शायद ये एम्प्लॉयर से होगा, मैंने शायद गलत लिख लिया होगा, आंसर मैच करके देख लेंगे। अगर एम्प्लॉयर्स का तो ऐड होगा ये, फिलहाल इसे हम छोड़ देते हैं हम, ठीक हो गया, फिलहाल से छोड़ देते हैं हम। क्या होता है, मैंने गलती लिख लिया हो, अगर 11 का अंतर आया तो ये ऐड होगा, अगर 11 का अंतर आया तो ये ऐड होगा। फिलहाल आप सब बच्चों ये सारी चीज़ ऐड करके देख लो। फॉर्मूला कोडिंग मैंने ऐड कर ली, 700 प्लस 700 प्लस ये 700, ये तो ऐसे लिख लो 700, तो 30 और 10 40 और 9 130, 230, 230 और 20 250, 7 और 2 9, 950 आ गया बच्चों। चेक कर लो एक बार, 2 9 और 1 100, 200, 250, हाँ 750 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। ये क्या आया मेरा 950? NDP@FC आया। क्या आया बच्चे? NDP@FC निकालना क्या है मुझे? NNP@FC। यहाँ जगह ये वाला सोल्व करूँगा ना, तो इधर इधर कर लेते हैं हम। क्या निकालना बच्चों? NNP@MP, NNP@MP निकालना मुझे। इक्वल टू क्या है मेरे पास? NDP@FC मेरे पे निकाल चुका मैं 950। NNP@FC निकालना, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, डोमेस्टिक छोटे लेवल पे, नेशनल बड़े लेवल पे, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे NFIA, समझाया था हमने अभी आपको। और फैक्टर कॉस्ट, और क्या लिख रहा बच्चों? ये मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री से मार्केट जाने के लिए क्या करोगे बच्चों? NIT, ठीक होगा। अब प्लस करेंगे हम क्या? NFIA। अब मैंने आपको समझाया ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, टू वाला क्या होगा हमेशा बच्चों? माइनस। तो यहाँ लगा लो आप, क्या लगाओगे बच्चों? मतलब माइनस होगा ना ये माइनस, और वो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये दोनों? प्लस नहीं हो जाएंगे क्या? तो प्लस 10 हो जाएगा ना बच्चों, ये बात समझेगा आप। प्लस 10 कैसे हुआ? NFIA 2 वाला है तो टू, NFIA 2 वाला है तो टू लगते ही तो माइनस आ गया। पहली बात तो ये, NFIA 2 वाला है तो टू लगते ही तो माइनस, एक तो ये आ गया और उसकी अमाउंट ऑलरेडी माइनस में है, उसकी अमाउंट ऑलरेडी माइनस में है, टू लगते ही तो माइनस एक पहले ही आ गया। टू लग, ये तो टू वाला माइनस है और एक उसमें माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा बच्चों। और NIT कितना है बच्चों मेरा? 110। तो कितना हो गए? 900, 1000, 1050, 60, 70, 1070 आ गया।
मैच कर लो बच्चे के, जा सकते हैं आपका आंसर है। क्लियर हो गया बच्चे सभी को? क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो नहीं? चलो एक एक तो ये वाला इस तरह से था, एक और तरीका है वो भी हमें समझाते रहे। अगले क्वेश्चन अपना आप करना बच्चों। मैं क्या शुरू में मन क्या कहा मुझे, मैं क्या निकालना मुझे NDP@FC क्या निकालना बच्चों मुझे शुरू में ही NDP@FC, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इनका मेथड में आपको शुरुआत में ही NDP@FC निकालना, उसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक, अब देखिए ये तो था पहले इसके अकॉर्डिंग चलना, अब चलो मैं इसके अकॉर्डिंग एक मेथड ये भी है जो उनसे आपको ठीक लगे वो कर लेना। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो क्वेश्चन में कहाँ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहले नंबर पर ही है ये रहा, 250 रुपये ऐड कर लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों, तो ये तो मिल गया मुझे, तो अंदर अंदर घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है ओपनिंग सरप्लस, देखो है क्या, ये तो मेरा हो गया, इसमें तो मैंने राइट लगा दिया लो इंडलिंग फीस। ओपनिंग सरप्लस देखो, मिक्स इनकम प्रॉफिट रेंट NFIA टू नेट एक्सपोर्ट कंस, ये है नहीं कहीं भी। ठीक है बच्चों, रेंट है क्या देखिए ध्यान से, हाँ है योरा रेंट प्लस रेंट कितना है बच्चों 30। इंटरेस्ट है क्या देखिए बच्चों, मैंने ये भी कर लिया, रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया 40, इंटरेस्ट 40। ठीक, देखिए प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा तो 80, तो प्लस प्रॉफिट कितना है बच्चों 80। क्लियर, क्लियर हो गया, प्रॉफिट 80 है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के बाद क्या है बच्चों, रॉयल्टी देखिए आएगा, ये तो हो गए जो राइट हो गए, उन्हें तो देखना ही नहीं। अब मिक्स इनकम सर्फ एम्प्लॉइड तो तीसरा नंबर पे है, ये क्या है बच्चों नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वही वाला ऊपर वाला कंसेप्ट आ गया, ये NFIA है, कौन सा वाला है बच्चों, ये टू वाला, तो टू वाला है तो ऑलरेडी माइनस में आएगा। ठीक, नेट एक्सपोर्ट को काट दो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी बाद में होंगी, नेट एक्सपोर्ट तो बेटा तीसरे वाले फॉर्मूले में आएगा आपके, जो आपका नेशनल इनकम तीसरा फॉर्मूला है उसमें यूज़ होगा, तो ये अभी यूज़ नहीं होने का। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपकी डैप होगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT हो गया, नेट करंट ट्रांसफ़र आ गया तो ये भी कोर्स में नहीं है। इतनी बात समझ गए, यानी कि प्रॉफिट के बाद रॉयल्टी तो मिला नहीं मुझे, रेंट भी मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। इसमें चाहे मुझे रेंट मिलता जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी सोचो कि मुझे कुछ नहीं मिलने का, अगर रेंट मिल गया तो जब भी वो मानियो कि हमारा सही है, इंटरेस्ट क्या होता 0 हो, प्रॉफिट क्या होता 0 हो, तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे पार्ट मिले, जो पार्ट मिले वो आपको ऐड करना है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ओपनिंग सरप्लस के आपके तीनों पार्ट आ गए जो जो थे इसमें आ गए, प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ MISE, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड MISE की मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रखा बच्चों 600। क्लियर हो गया, इस पर भी टिक मार दो। तो ये सारे तो टिक हो गए, ये NFIA में यूज़ होगा, ये आपका ख़त्म ही हो गया, ये डैप में यूज़ होगा, ये NIT में यूज़ होगा, ये आपका ख़त्म ही होगा। तो तीन चीज़ बची आपकी, NFIA, डैप, NIT, ये तो तीन फॉर्मूले में यूज़ होंगे। इफ जैट क्लियर, तो पहले इसका निकल लो 250 प्लस 30, पहले वैसे ऐड कर लो ना 600 और 250, 850 तो बच्चे ही होंगे, 850 दे होंगे, 8×4 = 12, 120 और 30 150, 850, 900, 1000 आ गया बच्चों। अच्छा आंसर तो आया नहीं, देखो इसमें क्या पूछ रखा मुझे, क्या पता मैं तब देखूँगा, बाद में देखना मुझे क्या पूछना, फिलहाल तो मुझे आग मिच के NDP@FC निकालना, हर क्वेश्चन में NDP@FC निकालना, वो जहाँ इनकम मेथड लग गया उसमें हर क्वेश्चन में आग मिच के NDP@FC निकाल दियो, क्योंकि तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके NDP@FC निकलता है। ये निकल के फिर आपसे कुछ ही पूछ लो, अब क्या पूछ रखा मेरे से, NNP@MP पूछ रखा, निकल जाएगा NNP@MP, क्या है मेरे पास NDP@FC है, चेंज करो NCN कोई दिक्कत नहीं, डोमेस्टिक से बाहर नेशनल की तरफ जाना, नेशनल हाई लेवल पे बच्चों, डोमेस्टिक लो लेवल पे कई बार समझ रखा है, तो NFIA ऐड हो जाएगा, और फैक्ट्री से बाहर जाना मार्केट में तो टैक्स ऐड कर दो। तो NDP@FC मेरा 1000 है बच्चों, NFIA कितने दे रखा बच्चों मुझे, माइनस के 10, NFIA पहले माइनस का है, 2 वाला है तो माइनस लग गया, अरे वो माइनस का दे रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 10 प्लस के आ जाएंगे। ये बात समझ गया बच्चों, 2 वाला मैंने कहा माइनस माना, अरे वो माइनस ऑलरेडी है वहाँ पे, तो माइनस माइनस सुनो प्लस हो जाएंगे, और टैक्स कितना दे रखा बच्चों मुझे 10, तो 1020 आ गया, देखो आंसर यही है क्या। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर बच्चों, दो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए,
ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। वीडियो यहीं कहीं पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके देखना बच्चों। कोई डाउट आएगा तो डाउट सेशन पूछना। दूसरी बात, घबराना मत, कोई चीज़ आपकी जो चीज़ आपसे अलग है वो चीज़ आप छोड़ देना, मैंने आपको पहले समझा दिया। जो मैटर आपको मिलेगा उसे यूज़ करना, जो मैटर नहीं दिख रहा है, जो नहीं समझाया वो इग्नोर कर देना, काट देना उसे फ़िलहाल, उसका यूज़ बाद में बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।